नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे एचएल क्या करने वाला है, ये सर सुखोई 30 फाइटर जेट्स क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं भारत के अंदर। मतलब दोस्तों भारत अब खुद क्या करेगा, सुखोई 30 फाइटर जेट्स को क्या करेगा, बनाएगा। अब सर ये सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है, भारत ने ये स्ट्रेटेजिक मूव क्यों लिया दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि अभी रसिया राइट नाउ क्या है, युद्ध में फंसा हुआ, किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। प्लस अमेरिका, अमेरिका का काम है क्या, सैंक्शन 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 लगाते रहता है वो। तो भारत को पता रहता है कि अब ऐसे सिचुएशन में दोस्तों बोलते हैं ना, जो हमारे पास 250 सुखोई 30 है, अब उसका तो हमारे पास सफिशियंट जो स्पेयर पार्ट्स थे हमने पहले से इकट्ठा करके रख लिए थे, अब इतनी क्वांटिटी में है तो भैया स्पेयर पार्ट्स तो पहले रखना पड़ेगा। लेकिन डे बाई डे जिस तरह से युद्ध चलते जा रहा है, नए स्पेयर पार्ट्स रसिया बना करके दे नहीं रहा है, और जो हमारे पास पुराने पड़े हैं वो दिन पे दिन क्या होते जाए, खत्म होते जा रहे। तो इंडिया ने बोला भैया कुछ तो करना पड़ेगा, तो रसिया को सीधा बोलते देखिए आप युद्ध में बिजी है, बना के दे नहीं रहे हो, टेक्नोलॉजी दे दो, दोनों भाई मिलकर के भारत में बनाएंगे। रसिया बोला रेडी है, ठीक है मोदी जी आए थे विजिट हुआ, चलो डन 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 डन। अब रसिया रेडी हो गया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, अब ये जो सुखोई 30 फाइटर जेट से हो क्या होंगे, भारत के अंदर ही बनेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जिस कंट्री को चाहिए रहेगा एक्सपोर्ट भी कर देंगे सर। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको 2-4 हफ्ते पहले, सॉरी मैं 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे डेसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की जो कंपनी है, ये भी बोलती है हम भी भारत के अंदर अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक यूनिट ओपन करने वाले हैं। ये क्यों यूनिट ओपन करने वाले सर, ये बोलते हैं कि देखिए इंडियन एयरफोर्स के पास 36 हमारा राइफल है और मरीन भी 26 राइफल यूज करती है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए क्या सर आप उड़ करके आओगे फ्रांस, नहीं ना हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, वहां पे क्या करेंगे यूनिट ओपन कर देंगे भैया और आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो भारत ने बोला अच्छा ठीक है सब तो करने वाले हो, लेकिन एक्स्ट्रा क्या, उन्होंने बोला ठीक है ना तो यहाँ पे क्या करेंगे, राफेल को कुछ पार्ट्स भी बनाएंगे और राफेल को बोलते हैं असेंबलिंग भी यहाँ पे कर लेंगे और बाकी कंट्रीज को बेचेंगे भी, दोनों भाई मिलकर के फिर से काम करेंगे। अब साथ ही साथ जानते हो कि राफेल को बोलते हैं 300 से ज्यादा बोलते हैं ना ऑर्डर आ गया, मतलब डेसॉल्ट एविएशन को राफेल का 300 से अधिक ऑर्डर है, कहाँ से पूरा करोगे ये। अब देखिए बहुत सारी कंट्री यूएई कतर इंडोनेशिया सब लाइन में लगे भैया राफेल दो राफेल दो, तो फ्रांस को लगा चलिए इंडिया बहुत जरूरी है तो इंडिया में आ रहे हैं सर ये। अब चलिए बात कर लेते हैं रसिया की। अब रसिया क्या बोल रहा है भैया कि चलो तुमको हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है भैया, लेकर के जाओ और क्या करो सुखोई 30 मार्क 1 क्या करो भारत के अंदर ही बनाओ।